हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताई थी, इसको सॉल्व करना आप सबको आता है। प्लस इसके साथ हमने क्या करना है, चेक करना है अपना रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि क्या हमारा रिजल्ट सही है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो हमें पता है जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड कर देते हैं। तो 3x ये उधर प्लस में है, 2x तो हम इक्वल्स टू के एक साइड ले आएंगे और दूसरी साइड जो विदाउट वेरिएबल वैल्यू है दैट इज 18 वो इस साइड रह जाएगी। 3x माइनस 2x तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करते हैं मतलब 1, 1x लिखें चाहे x लिखें बात एक ही है। तो x इक्वल्स टू 18 मतलब यही हमारा आंसर आया, x इक्वल्स टू 18। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये आंसर करेक्ट है, मतलब ये जो x की वैल्यू आई है हमारी इज़ इट करेक्ट और नॉट। तो चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं, जो एक्स का एक्स की वैल्यू आई है हमारी 18 उसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, सो द इक्वेशन वाज 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 18 जो कि आपका ये यहाँ पर आंसर आया था। तो 18 जहाँ जहाँ पर x है उस जगह पे आप 18 को पुट करोगे। 3 ओवर x विदाउट एनी वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, 18। यहाँ पे भी 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स 2 और x भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x की जगह पे क्या लिखना है हमने, 18 प्लस 18। 18 इंटू 3 क्या होता है, 54, और इधर 18 इंटू 2 36 प्लस 18। यहाँ पर 54 इक्वल्स टू 36 प्लस 18 को जब प्लस करोगे तब भी क्या आ जाएगा, 54। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया हमारा, इट मीन्स जो आपका आंसर आया है दैट इज एक्स इक्वल्स टू 18, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो प्लीज नोट डाउन द आंसर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट इज 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। यहाँ पे हमारा वेरिएबल गिवन है हमें t, तो हमें वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड करना है और जो वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं विदाउट एनी वेरिएबल हैं उनको एक साइड कर देना है। तो 5t हम यहाँ पर ही रखेंगे, इस साइड 3t को ले आएंगे, ये यहाँ पर प्लस का है, जो चीज़ जिस चीज़ के साथ कोई सिंबल नहीं इट मीन्स वो प्लस का है। इक्वल्स टू के इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3t। इक्वल्स टू के उस साइड माइनस 5 है, अब माइनस के 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 3। 5t माइनस 3t क्या हो जाएगा, 2t इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, मीन्स 5 और 3 क्या होंगे, माइनस होंगे, बट साइन कौन सी वैल्यू का आता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू 5 की है और उसके साथ साइन है माइनस का। तो हमने सिर्फ t की वैल्यू फाइंड करनी होती है, t के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या हो जाता है जाके, ये डिवाइड, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 1। इसको हमने अब चेक करना है, सो सेम इक्वेशन 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू माइनस 1, तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, माइनस 1। 5 के साथ t है, इट मीन्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है t, तो क्या आ जाएगा t की जगह पे, माइनस 1, और उसके बाद क्या है, माइनस 3 इक्वल्स टू 3t। 3 एज इट इज़ टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी की जगह पे हमने क्या लिखना है, माइनस 1 माइनस 5, यही था। ठीक है, तो 5 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वन ज़ा 5, बट साइन माइनस का है तो प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे है माइनस 3। इक्वल्स टू 3 वन ज़ा 3, बट साइन शुड बी माइनस, देन माइनस 5,
अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का 5 एंड 3 8, यहाँ पे भी 5 एंड 3 8 बट साइन माइनस का, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, टी इक्वल्स टू -1। सो नोट डाउन द सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5x+9 इक्वल्स टू 5+3x। हमें वेरिएबल्स वाली वैल्यूज को एक साइड करना है, तो 5x वहाँ से 3x को इस साइड लेके आएंगे, -3x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 5 है, 3x तो उधर ले गए हैं, और इधर से हमें ये कांस्टेंट वैल्यू प्लस का 9 इधर लेके आना, तो ये क्या हो जाएगा -9। 5x -3x क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5 और 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, बट साइन जो है वो माइनस का होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बट जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का रहता है। अब यहाँ पे हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स के इधर क्या है -4 है। अब ये 2 क्या हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास -2। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए सेम इक्वेशन, 5x+9 इक्वल्स टू 5+3x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू -2। ठीक है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमें -2 पुट करना है, तो 5x, 5x की जगह पे क्या आ जाएगा -2 प्लस 9 इक्वल्स टू 5+3, और x की जगह पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, 5 2 10, माइनस का 10 होगा, प्लस माइनस माइनस, ये 9 एज इट इज, 5+3 2 6, माइनस का 6 होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है। यहाँ पे 5+-6, ये -1 एज इट इज़ लिखेंगे, अब प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये जो आंसर था x इज इक्वल्स टू 2, दिस वाज करेक्ट। सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 4z+3 इक्वल्स टू 6+2z। तो z जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं सेम, उनको एक साइड करना है हमने, 4z यहाँ पर और ये 2z यहाँ पे है, तो इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का 2z हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे +3 है और ये इधर जाके -3। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2z आ जाएगा, इक्वल्स टू 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ जाएगा, हमें सिर्फ z चाहिए, z इज इक्वल्स टू 3/2। तो अब इसको चेक करेंगे, द सेम क्वेश्चन, 4z+3 इक्वल्स टू 6+2z, जहाँ पे हमने पुट करना है z इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये चीज़ हमने पुट करनी है, 4z की जगह पे क्या लिखना है हमने 3/2 प्लस क्या है 3 इक्वल्स टू 6+2z, मतलब 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है z, तो z की जगह पे क्या पुट करना है हमने 3/2। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, अगर ये 3 के साथ डिवाइड है तो ये 4 के साथ भी डिवाइड ही हो रहा है, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, और 2 3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे क्या रह गया 3, इधर देखते हैं ये 6 एज इट इज, सॉरी यहाँ पे 3/2 मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो ये 2 1 2 2 1 2। ठीक है, ये प्लस था 3 1 3। ठीक है, 6+3 9 और इधर भी 6+3 9, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल
करेक्ट है। नाउ यू कैन नोट डाउन द आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। तो x हमें एक साइड करना है, 2x ये माइनस का x है, इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x। यहाँ पे 14 एज इट इज, माइनस का 1 है, इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा। 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 14 प्लस 1 15। x इज इक्वल्स टू 15 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x क्या आ गया हमारा, 3 1 3, 3 5 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, जिसको हम इसी वैल्यू में पुट करके चेक करेंगे दैट इज इट करेक्ट और नॉट। सो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x, जिसमें हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन थी 2x ना, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है वो। माइनस 1 इज इक्वल टू 14, तो माइनस एक्स है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। 2 5 10, माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5। 10 माइनस 1 क्या होता है, 9। 14 माइनस 5 क्या होता है, 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे इसके 5 क्वेश्चंस रहते हैं इस पार्ट के, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गणित विज्ञान, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।